हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी न्यूज रहेगी 200 प्लस चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया। सारे के सारे ऐप्स जनवरी 2021 में अनबैन होने वाले हैं करके, जो कि लिन बी यो है। दोस्तों, इन्होंने कहा है। आप लोग सोच रहे होंगे ये लिन बी यो कौन है करके। दोस्तों, ये एक्चुअली वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट और मार्शल रह चुके हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। तो इन्होंने एक अपने ट्विटर ऑफिशियल पेज पे ये अपडेट दिया है। सारे के सारे जो भी यूजर्स है 200 प्लस ऐप्स के, इनको इधर पे दोस्तों इन्होंने सारी की सारी जो भी ट्वीट किए दोस्तों, ये दोनों ट्वीट पे एकदम अच्छी खबर बताई है, जिसमें इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट भी खत्म होने वाला है। जो भी लड़ाई चल रही है इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे, ये भी टोटली खत्म होने वाली है दिसंबर एंड तक। और जो हमारा ट्रेडिंग है, इकोनॉमी है, सब जो भी है दोस्तों, ए टू जेड जो भी है क्लियर हो जाएगा करके इधर पे कहा जा रहा है दिसंबर तक इनके जरिए से। सो चाहे सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो कुल मिला के बात ये दोस्तों, आज की जो खबर है दोस्तों, ये चार खबर पे बात करेंगे, चार डिफरेंट न्यूज़ पे बात करेंगे दोस्तों। एक बहुत ही बुरी न्यूज है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्नैक वीडियो और प्लस 43 एप्स, चाइनीज एप्स जो है इसको बैन कर दिया गया। ये किस लिए बैन किया पहले, इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे दोस्तों, पबजी मोबाइल इंडिया अब ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो गया इंडिया में, तो इसके अनबैन को कोई रोक ही नहीं सकता। तो पबजी बहुत ही जल्द वापस होने वाला है, इस पे भी ढेर सारी डिटेल मीडिया दोस्तों, इस पे बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे दोस्तों, इंडिया चाइना की जो भी बॉर्डर टेंशन है दोस्तों, ये बहुत ही जल्द क्लियर होने वाले हैं करके, क्योंकि लिन बी यो ने अपडेट दिया दोस्तों ट्विटर, उनके ट्विटर ऑफिशियल पेज पे, तो इस पे बात करेंगे दोस्तों। चौथा बात करेंगे दोस्तों, ग्रेट न्यूज है दोस्तों सारे के सारे 200 प्लस ऐप्स के लिए, पर इन्होंने बताया दोस्तों, अब इनके बताने से क्या फर्क पड़ने वाला है, अब इनका कहना कितनी दूर तक सच है कितनी दूर तक झूठ है ये मेरे को पता नहीं। बस मैं डीपली एनालाइज किया तो हाँ भाई, बीजिंग में इसकी बातचीत चल रही है करके पता चला है। अब इन्होंने क्लियरली बताया, जो भी 200 प्लस एप्स बैन हो गई, ये अनबैन हो जाएंगे जनवरी 2021 में करके इनका कहना। और पर्टिकुलरली सेपरेटली टिकटॉक के लिए एक ट्विटर किया गया दोस्तों इनके जरिए से, और इधर पे ये कहा गया टिकटॉक वापस हो जाएगा। ग्रेट न्यूज है सारे के सारे टिकटॉक यूजर्स के लिए करके इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए से अपने सारे यूजर्स को, टिकटॉक यूजर्स को और 200 प्लस ऐप यूजर्स को ये चीज बताई है। सोचा है सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहले बात करेंगे दोस्तों स्नैक वीडियो और बाकी के 43 प्लस ऐप्स को इंडिया ने फिर से बैन लगा दिया है, जो चाइना को जमा करते हैं, जिसमें सबसे फेमस ऐप था स्नैक वीडियो। दोस्तों समझो, आज से 2 महीने पहले मैंने इसका प्रेडिक्शन आपको बता दिया था, ये एक चाइनीज ऐप है। आप सब गलत फहमी में थे कि ये इंडियन ऐप है, मैं उसी समय में बता दिया था। ये जो है इसका ब्रांड है टेंसेंट को जमा करता है, इसके रूट्स जो है दोस्तों ये चाइनीज को जमा करते हैं। तो कुल मिला के बात यही, ये चाइनीज ऐप है तो इस पे भी आपको बैन लग सकता है करके। मैंने 2 महीने पहले ही आपको बताया था दोस्तों, आज वो चीज सही हो गई, मेरे को सुन के बुरा लगा, क्योंकि हमारे ढेर सारे फैमिली मेंबर्स हैं, जब टिकटॉक बैन हो गया था स्नैप वीडियो पे चला गए थे, और इनका अच्छा ग्रोथ भी था इस ऐप में और फॉलोअर्स भी ढेर सारे बढ़ गए थे दोस्तों। अब इस पे भी बैन लगा दिया है गवर्नमेंट ने, सेम रीजन बता के, जो भी 200 प्लस ऐप्स बैन हो गए थे यही सेम रीजन बताया है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके हम लोगों ने इस पे बैन लगाया। साइबर जो भी वॉच डॉग्स है दोस्तों, इन्होंने इसके ढेर सारे इल्लीगल एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ पे बैन लगाया करके ऑलरेडी बताया दोस्तों। मैं इस पे बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ पिछले 6 महीने से, तो आज इसको लंबा खींचना नहीं चाहता दोस्तों, जो हकीकत है बस वो बताना चाह रहा हूँ। अभी इधर पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, सब में बेस्ट ऐप था टिकटॉक बैन होने के बाद स्नैक वीडियो, जिसमें समझो पिछले 1 महीने से 35 मिलियन डाउनलोड्स मिले थे, 1 महीने में 30 डेज में 35 मिलियन डाउनलोड्स हासिल किए थे स्नैक वीडियो ने, और ओवरऑल डाउनलोड्स थे इनके 190+ मिलियन डाउनलोड्स थे। जब तक फेमस नहीं था दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही कोई पर्टिकुलर ऐप फेमस होता है इंडिया बैन लगा देती है, क्या चक्कर है पता नहीं, पूछो तो बताते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके हम लोगों ने ये किया। ऐसा होता तो पहले से ही सबको पता था चाइना का ऐप है, तो पहले ही बैन कर देते। अब हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं ये फेमस हो गए, इसके बाद ये ऐप को बैन करना बुरी बात है दोस्तों, मेरे को सुन के अच्छा नहीं लगा। ये सब देखने के बाद मेरे को भी ऐसे लगता है थोड़ी थोड़ी उम्मीद कम होती जाती है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, जो भी इंडियन ऐप्स है इसको टक्कर दे नहीं पा रही थी, जो इंडियन ऐप्स है इससे 10 times ज्यादा फेमस होने लगा था ये स्नैक वीडियो, क्योंकि इसकी जो भी टूल्स है सिमिलर थे टिकटॉक के करके इधर पे कहा गया दोस्तों। दोस्तों मैं पहली बात आपको ये क्लियर कर देता हूँ, जो न्यूज मेरे को मिलती है मैं बस वो आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, बाकी दूसरी कोई गारंटी मैं आपको दे नहीं सकता, और झूठी अफवाह फैलाना मेरा काम नहीं है। तो इधर पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, इसके भी जो टूल्स है सिमिलर टिकटॉक जैसे थे, और बहुत ही अच्छा वायरल करता था वीडियो को,
तो अब इस पे भी बैन लगा दिया दोस्तों। आप फिर वापस आप लोग रिवर्स पे आ गए समझो। इसके भी 5-6 लाख इन्फ्लुएंसर्स थे जिसकी कमाई होती थी जस्ट 6 मंथ्स में दोस्तों। तो अब इनको सबको फिर वापस दूसरे ऐप में जाना होगा और ABCD से चालू करना होगा, जो कि इनकी पहुंच ऑलरेडी जेड तक पहुंच चुकी थी। सुन के मेरे को बुरा लगा दोस्तों, सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। इधर पे मेरे को ये लग रहा है दोस्तों, ये सारे का सारा रीजन है इंडियन ऐप्स को, आत्मनिर्भर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो दूसरा बात करेंगे दोस्तों पबजी। दोस्तों पबजी को इंडिया ने ऑफिशियल ऐप बना दिया, इंडियन रजिस्ट्रेशन मिल गया है पबजी को करके। इधर पे कहा गया है दोस्तों पबजी को इंडिया ने ऑफिशियली अब रजिस्टर कर दिया है, तो पबजी का अनबैन होना पक्का हो गया है और इसी हफ्ते में पबजी रीलॉन्च हो जाएगा इंडिया में करके आज की ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। सोचा ये चीज आपको पहुंचा देता हूं करके। इस खुश समझो इस खुशखबरी में एक और चीज पबजी ने इधर बताई दोस्तों, जो भी पूल प्राइस रहेगा ये 6 करोड़ रहेगा फर्स्ट आने वाले को, जो भी गेमर है ये फर्स्ट प्राइज मिलेगा इसको 6 करोड़ का करके बताया गया दोस्तों। और रही बात बाकी के जो इनके गेमर्स है, इनको सैलरी भी मिलने वाली है 2-4 लाख तक, जो कि ट्राइब 1 की टीम्स है दोस्तों, इनको 2-4 लाख तक की सैलरी मिलने वाली है करके इधर पे ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस किया है। और इनको रजिस्ट्रेशन इंडिया का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन मिला था नवंबर 21 को करके इधर पे कहा गया दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज थी सारे के सारे पबजी गेमर्स के लिए। सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। अब रही बात दोस्तों बाकी की, कोई डिटेल मेरे को पता नहीं है ट्राइवन क्या होता है, फुल प्राइस क्या होता है, क्योंकि मैं पबजी मोबाइल नहीं खेलता, तो मेरे को जो न्यूज मिलते हैं मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो ये थी दोस्तों पबजी वाली न्यूज। रही बात दोस्तों रीलॉन्च के डेट की, डेट इन्होंने अनाउंस नहीं किया, कहा है बहुत ही जल्द दोस्तों, समझो आज शाम में भी आ सकता है। पर रही बात कल, ढेर सारे यूट्यूबर्स ने बताई 6 बजे लॉन्च होने वाला है करके, ऐसी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। पर ऑफिशियल अपडेट ये है यही हफ्ते में रीलॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में करके कहा जा रहा है दोस्तों। पर अब स्नैक वीडियो और 43+ एप्स बैन होने के बाद क्या होगा, इसकी इस पे भी डिले लग सकता है ऐसे लग रहा है मुझे। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दूसरा ये था दोस्तों। अब तीसरा बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर न्यूज पे। LinBio दोस्तों, ये जो LinBio है दोस्तों, ये वाइस चेयरमैन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मार्शल वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट चेयरमैन भी यही थे दोस्तों। इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज के जरिए से ये बताया, जो भी हमारा इंडिया चाइना का बॉर्डर टेंशन चल रहा है, ये अब इन्होंने ये इधर पे सुना, पहले सुना था इन्होंने, जो कि चाइना का बीजिंग है दोस्तों कैपिटल सिटी, इधर से इनको ये न्यूज मिली है। इन्होंने ऑफिशियल इनके ट्विटर पेज पे ये अपडेट करके अपने सारे जो भी ऐप यूजर्स है इनको बताया करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अब इन्होंने इधर पे ये कहा है, जो भी बॉर्डर टेंशन है इंडिया और चाइना का, ये टोटली सेटल कर दिया जाएगा दिसंबर से पहले, मतलब दिसंबर एंडिंग से पहले करके इन्होंने वादा किया दोस्तों। अब इधर पे इन्होंने ये भी कहा है, जो भी हमारा ट्रेडिंग था, इकोनॉमिक था, जो भी पैसों का लेन देन था, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था इंडिया चाइना का, जो भी बिजनेस था, सारे का सारा एकदम नॉर्मल हो जाएगा पक्का करके जनवरी में इनका कहना है दोस्तों। अब रही बात इनके कहने से क्या होने वाला है दोस्तों, इंडिया का डिसीजन क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पर इन्होंने जो कहा मेरे को अच्छा लगा दोस्तों, सोचा ये आपको भी बता देता हूं करके। अब इन्होंने एक और चीज ये भी कही है दोस्तों, इधर पे जो भी 200+ एप्स है, 2 ट्वीट किए गए थे दोस्तों इनसे। एक ट्वीट पर्टिकुलर ट्वीट में इन्होंने बॉर्डर का और 200+ एप्स की वापसी का और जो भी ट्रेडिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो भी इंडिया चाइना का बिजनेस है, ये सब क्लियर हो जाएगा करके बताया। दूसरे ट्वीट के जरिए से इन्होंने पर्टिकुलरली टिकटॉक के यूजर्स को बताया कि टिकटॉक 2021 में वापस हो जाएगा करके इधर पे इन्होंने कहा दोस्तों। अब इन्होंने इधर पे ये कहा है, जो भी 200+ एप्स है ये सारे के सारे अनबैन हो जाएंगे जनवरी 2021 में करके इन्होंने अपने 200+ एप्स यूजर्स को ये चीज बताई है। ये बात चल रही है फिलहाल चाइना के कैपिटल सिटी बीजिंग में करके इनका कहना है दोस्तों। तो दूसरा इन्होंने ये दूसरे ट्वीट के जरिए से ये बताया है, जो भी टिकटॉक यूजर्स है दोस्तों, इनको ने ये कहा है सारे के सारे टिकटॉक यूजर्स के लिए एक ग्रेट न्यूज है, जो कि टिकटॉक 2021 जनवरी में अनबैन होने वाला है चाइना के बीजिंग सिटी में, इसकी बातचीत ऑलरेडी चालू है करके इनका कहना है दोस्तों। इधर पे रही बात दोस्तों, मैं दूसरी कोई चीज की गारंटी आपको दे नहीं सकता, जो न्यूज मेरे को मिलती है बस मैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो अब इन्होंने ये ट्वीट करके बताया दोस्तों, अब इधर पे ये मायने नहीं रखने वाला है, मायने रखने वाला इंडिया का डिसीजन। अब इनका ट्वीट सुन के मेरे को अच्छा लगा, सोचा बस ये आपको पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों ये ट्वीट वाली न्यूज। अब बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक ने अब ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट किया और कहा है, जो भी बग्स थे हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिए। पहले यह हुआ करता था, हमारा ऐप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होता तो अटैकर्स इसको एक ही क्लिक में हैक कर सकते थे, ऐसा हुआ करता था। तो हम लोगों ने ऐसे बग्स को फिक्स कर दिया है, जो भी आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ हमारा ऐप अटैच करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी होगी आपको। अब ये हैक भी नहीं किया जाएगा,
हम लोगों ने इस पे बहुत सारा काम करके इसकी जो भी बग्स है इसको क्लियर कर दिए, तो अब आपका ऐप हैक नहीं हो सकता करके इन्होंने ऑफिशियली एक अपडेट के जरिए से अपने सारे यूजर्स को ये बताया दोस्तों। सोचा है सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।